इसका देखो देखो ये देखो इसका दर्द 5 साल से इसकी कान में है, इसकी कितनी बुरी हालत। वापस आओ पासल। ये सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है, ये तरन तारण के रहने वाले हैं और ये सिस्टर का कहना है कि ये सिस्टर बहुत परेशान थे, चल फिर नहीं सकते थे और घर का कोई भी कामकाज नहीं कर सकते थे, लगातार बिस्तर पर रहते थे और इनकी बेटी वही घर का कामकाज करती थी और साथ ही में स्टडी करती थी और इसी के साथ साथ कई बार तो ये अपने रिश्तेदारों की बच्चियों को घर पर लाकर कई बार घर का काम करवाते थे और लगातार ये बिस्तर पर रहते थे। और इसी दौरान ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी गए लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला, फिर उसके बाद तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए लेकिन वहाँ पर जाकर भी कोई आराम नहीं मिला और इसी के साथ साथ इनको सपने भी आते थे बुरे और साथ ही में दुष्ट आत्मा इनके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाता था जिससे ये सिस्टर बहुत परेशान थे। और सब कुछ करने के बाद जब कोई भी आराम नहीं मिला तो ये पूरी तरह टूट चुके थे और इनको लगता था कि शायद मेरी डेथ हो जाएगी और इसी वजह से फिर उसके बाद अपोस्टल जी किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और लॉकडाउन के पहले ये 4 महीने पहले किसी चर्च में इन्होंने जाना शुरू किया लेकिन लॉकडाउन के बाद वहाँ पर भी इनका जाना बंद हो गया। फिर उसके बाद सितंबर 2020 को इनको सुखपालनम निष्ठी के बारे में पता चला और ये सुखपालनम निष्ठी में आए और पहली बार आते ही अपोस्टल जी आपके द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना आई और ये है उस समय का लेहन सीन। चलिए आजाद होने जा रहा, चल के दिखाओ पहले, चला नहीं जाता। देखो ये हाल है इसका, देखो ये देखो इसका दर्द 5 साल से इसकी टांग में है, इसकी कितनी बुरी हालत। वापस आओ, तुम्हें अब कौन आजाद करने वाला है जी? डॉक्टरों ने क्या कहा इस काम को, क्या हुआ है? कोई नहीं है, आंखें बंद करो, भावनी सीधी होती, चलो आंखें बंद करो। चल शतान टांग को और बाजू को तो जो गुप्त में काम कर रहा बाहर है, चल चल बारा यीशु नाम से छोड़ इसकी टांग को, छोड़ इसकी बाजू को, निकल निकल अभी, छोड़ इसकी बॉडी को, चल आउट आउट, चल चल फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चल खुदा, जो दुष्ट ने इसकी टांग में इतनी दर्द दे रखी है जिससे ये लंगड़ा कर चल रही है, इस टांग को इसकी दर्द को मैं उखाड़ता हूं। शट शट यीशु मसीह के नाम, शट 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री फ्री द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरी डुनामस सामर्थ्य रिलीज कर दा और इस टांग की बीमारी तो आजाद घोषित कर दा, फ्री। चक्रो चक्रो नहीं नहीं रुक 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 रुको नहीं नहीं रुको 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 ये विश्वास कर रहे हैं कि आज आजादी होगी पूरा डर चल जाएगी, अक्का बंद करो। खुदा तेरा आत्मा शुरू है, तेरा आत्मा इस बच्ची को आजाद कर रहा है, तेरा आत्मा तेरी 5 साल की जो चकड़न है शैतान ने दर्द दी है इस तो पूरी तरह फ्री हो चुकी है, निश्चित फ्री फ्री द नेम ऑफ जीसस। चक्रम पलोका ये चलना नहीं है, वो तो सुन ले बाचको अपने बाचको ठीक है, अखबंद रुको और बोलो परमेश्वर मैं पश्चाताप कर दिया जी, क्योंकि असि पाप तो जन्मे हैं, मैं अपने पापा तो तौबा कर दी और मैंने क्षमा करो, तू मैंने आजाद कर चुकी है, मैं ब्लेम कर दिया जो तेरे दास ने प्रार्थना की थी मेरे जीवन च काम कर चुकी, मैं आजाद हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हुण चलो चलो विश्वास ना, चलो 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 वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इतने बैठ जाओ कुछ समय लिए, बैठ जाओ अक्का बंद करके कुछ समय लिए बैठ जाओ और
आपने देखा ना इसका हाल क्या था, कितने सालों से, 5 साल से क्या बताया था डॉक्टरों ने, क्या बीमारी थी? मतलब कुछ बता देते थे, कोई कुछ बता देते, ऐसा कुछ था है ना, कोई खास पता नहीं चल रहा था, लेकिन आप ऐसे लंगड़ा कर चल रही थी, बहुत ज्यादा दर्द होने, 5 साल से। हाँ जी, 2015 जो हुई इस तरह। तो जब आप आए तब तक ऐसे था है ना? हाँ जी। अब फ्री हो? उसके बाद उस दिन ही आप फ्री हो गए थे? हाँ जी। मैं कर दो, कोई काम नहीं है कर सकती, अब सारे काम कर दी। देख कितनी बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया। तारीफ करो इस गुवाही के लिए। कोई काम नहीं कर पाते थे, बुरा हाल था, ये देखो कैसे आराम से चल रही है आप। अगर आप किसी प्रॉब्लम में, किसी बीमारी में पड़े हो, घर में कलेश हो, या बिजनेस में कोई रुकावट है, दुष्ट आत्मा से परेशान हो, या कोई बंधन हो, आप हमारे चर्च तबुर्जी अमृतसर में आ सकते हो। यहाँ पर परमेश्वर आपको आपकी परेशानी से 100% छुटकारा देगा। ये हमारा पता है और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स, जिन पर आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ आ सकते हो, प्रार्थना भी करवा सकते हो और जानकारी भी ले सकते हो। परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है। आमीन।